Morning student, this video for class 12 students. Today we will discuss the type linear upon quadratic integration. Okay, so here I am taking one of the question. Look at this part. So isme sabse pehle kya karna hai aapko, without using this integration sign you should copy this 5x minus 2 means only numerator part. Then you write a into d upon dx of denominator. तो डिनोमिनेटर का डिफरेंस यहाँ पर लिख देना है आपने 1 + 2x + 3x² + b. ठीक, हर एक क्वेश्चन में ये करना है. लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है तो, लेकिन ये काम वहाँ नहीं करना है आपने जहाँ पर इसको टीलेट करके ये बन जाता हो. केवल ये उस क्वेश्चन में करना है जब इसके फैक्टर्स पॉसिबल नहीं है. ठीक, अगर इसके फैक्टर्स पॉसिबल होते तो देन वी हैव टू मूव विद पार्शल फ्रैक्शंस. ठीक है, तो इसमें ये टाइप लगाना है आपने. अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करो. इसका डिफरेंशिएशन आपका हो गया a, 1 का डिफरेंशिएशन 0, ये 2 हो गया, ये 6x हो गया. ठीक, प्लस का b 5x - 2. नाउ हियर व्हाट यू हैव टू डू, यू राइट हियर कंपेयर द कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड कांस्टेंट. ठीक है, तो x का कोफिशिएंट देखो यहाँ पर क्या है, 5. यहाँ पर x का कोफिशियंट है, अगर इस a को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 6a. ठीक, ये हो गया पहली, तो इससे हमें a मिल जाएगा, a हो गया 5/6. अब कांस्टेंट देखो यहाँ है -2, यहाँ से कांस्टेंट हमारे पास है 2a और प्लस b. अब इस a की वैल्यू को हमें इस इक्वेशन में पुट करना है और b निकालना है. नाउ फ्रॉम हियर we are getting the value of b, it is -11/3. ठीक है, तो a भी मिल गया 5/6 और b भी मिल गया. अब इस a और b की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट करेंगे, यानी 5x - 2 की जगह पे ये हम लिखेंगे जहाँ पर a और b की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर देंगे. इन प्लेस ऑफ a वी आर राइटिंग 5/6 और इन प्लेस ऑफ b वी आर राइटिंग -11/3. ठीक, ये हमने यहाँ पर लिख दिया, देखो ये हो गया. अब इस बात को, अब ये इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब हुआ कि हमारे क्वेश्चन में जो न्यूमिनेटर दिया हुआ था वो 5x - 2, नाउ इट विल बी 5/6 इंटू 2 + 6x - 11/3. तो ये हमने इसमें अपने क्वेश्चन के अंदर इंसर्ट कर दिया, इसको सब्सटीट्यूट कर दिया एक तरह से. तो इट विल बिकम, नाउ इट विल सिंप्लीफाई अवर क्वेश्चन एंड इट विल मेक टू पार्ट्स ऑफ अवर क्वेश्चन. फर्स्ट पार्ट में ये I1 है, ये वाला पोर्शन I1 है. तो 5/6 इंटू 2 + 6x / 1 + 3x², ये पोर्शन हो गया. और जो सेकंड वाला पोर्शन है -11/3, मैंने कॉमन ले लिया, तो ये बन जाएगा ऊपर dx / quadratic term. तो ये पहला वाला टर्म I1 हो गया, ये पूरा दूसरा वाला टर्म I2 हो गया. तो I1 - I2 करेंगे तो हमारा फाइनली रिजल्ट आ जाएगा. सो इंडिविजुअली वी विल सॉल्व I1 and I2. सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व I1 and I2. So here we are going to simplify I1. I1 is 5/6 into this. तो यहाँ पर हमने क्या किया, डिनोमिनेटर को टी लेट करके उसको जब दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया हमारा 2 + 6x dx = dt. और 2 + 6x dx ही न्यूमिनेटर के अंदर भी है. ठीक है, तो इससे हमारे पास आ गया dt/t फॉर्म, और ये हमारा log t होता ही है. और t की वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट करके I1 की वैल्यू को सिंप्लीफाई कर लिया. अब बारी आती है I2 की. I2 में क्या है, नीचे क्वाड्रेटिक है, जो हमने टाइप 1 इससे पहले किया था उसमें क्या होता है, इसके परफेक्ट स्क्वायर बनाने होते हैं. तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 3 हमने कॉमन ले लिया, तो ये बन गया x² + 1/2/3x + 1/3, बिकॉज 3 इज नॉट अवेलेबल इन सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म, तो इसमें अपॉन में 3 देना पड़ा. तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका क्या होता है, इसको परफेक्ट स्क्वायर का बनाने का तरीका मतलब है कि a + b² फॉर्मूला या a - b² फॉर्मूला, जो भी पॉसिबल हो वो हमें यहाँ बनाना होता है. तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या काम करा, देखो इसको x² + 2ab फॉर्म किया, तो 1/3 का होल स्क्वायर जो है वो प्लस किया, उतना ही माइनस भी किया. और तो इससे हमारा फर्स्ट 3 टर्म्स मिल करके a + b² फॉर्मूला बन गया. और इन दोनों टर्म्स को हमने सिंप्लीफाई करके ये बन गया आपका 2/9 बेसिकली. ठीक है, ये स्टेप्स आप देख लेना. इसके बाद ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ dx/x² + a² फॉर्मूला. x² + a² फॉर्मूले किसका होता है, ये 1/a tan inverse x/a. तो 1/a tan inverse x/a का फॉर्मूला जब यहाँ पर लगाएंगे तो ये बन जाएगा आपका 3/2√2 tan inverse 3x + 1√2. ठीक, ये हमारा I2 हो गया, ये I1 हो गया और I2 हो गया. और हमें क्या निकालना था, I1 - I2, I1 की वैल्यू रख दी और I2 की वैल्यू रख दी प्लस सी. तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया.
ठीक है, तो इस टाइप को आपने आज करना है, ठीक, थैंक यू।